on to the question. In the certain code, basket is written as $5.3% has one, and tired is written as 14 star has two. How is skirt written in the code? According to question, right here, basket. यहाँ पर basket लिखेंगे. Basket का code क्या given है? B का 5, A का dollar, S 3, K percent, E has, T आपका given है 1, and come to the question, tired में 1, 4, star has, and then 2. We need to find the code of skirt. So right here S K I R T skirt का हम लोगों को चाहिए, तो ये skirt हम लोगों को basket and tired में से ही मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? S का कोड आपका 3 given है, then right here 3. K का कोड आपका percent given है, then right here percent. I का कोड 4 given है, right here 4. R का कोड given है star, then right here star, and last one is T. T का कोड given है 1, जो कि दोनों है, then right here 1. So the code of skirt will be 3% 4 star 1. Answer क्या आएगा आपका? 3% 4 star 1. ये question symbol coding पर based है, जिसमें so the second question. In certain codes, the following numbers are coded by assigning signs. इसमें क्या करना है कि कुछ numbers दिए हुए हैं और उसके कुछ signs given है यहाँ पर, तो साइन के अकॉर्डिंग नंबर को हम लोगों को फाइंड आउट करना है. विच नंबर कैन बी डिकोडेड फ्रॉम दी गिवन सिंबल्स, यानी जो भी सिंबल्स गिवन है उसमें डिकोड करके नंबर्स को हम लोगों को फाइंड आउट करना है. देखेंगे यहां पर एरो है जो कि आपका राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड के एरो के लिए यहां पर 6 गिवन है, देन राइट हियर 6. फिर नॉट इक्वल टू में कौन सा है नंबर, डिजिट आपका 8 गिवन है, राइट हियर 8. ग्रेटर देन में कौन सा सिंबल है 7, देन राइट हियर 7. इक्वल टू में कौन सा सिंबल गिवन है 3, देन राइट हियर 3. एंड लेस देन में कौन सा सिंबल गिवन है 1, देन राइट हियर 1. सो द राइट आंसर विल बी 68731. इट मीन्स इसका आपका होगा 68731. मीन्स एरो नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन का आपका हो जाएगा 68731 आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल लैंग्वेज कोडिंग. व्हाट इज आर्टिफिशियल लैंग्वेज कोडिंग? आर्टिफिशियल लैंग्वेज कोडिंग में कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं और जो डिकोड करना होता है वो भी वर्ड्स होते हैं, बट दोनों में जो भी कॉमन होता है, जो भी सिमिलर होता है, वही राइट आंसर होता है. कम टू द क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज रिटन एज के ए पी ए आर ए एंड इज राम हंग्री इज रिटन एज एन ए एस ए के. फाइंड द कोड ऑफ इज, यहाँ पर किसका कोड निकालना है, इसका. सो राइट हियर ही इज ग्रेट, कोड क्या गिवन है कि ए पी ए आर ए एंड इज राम अमरीका एन ए एस ए के ए. वी कैन सी इज दोनों में कॉमन है और कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, और नीचे जो भी गिवन वर्ड्स हैं उसमें भी देख सकते हैं एक ही वर्ड कॉमन है जो कि आपका के है. सो इसका कोड होगा के ए. योर आंसर विल बी